Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratyaksha Dwivedi और आज हम microorganisms friend and foe का part B complete करेंगे. उस दिन आपको याद होगा मैंने एक video upload करी थी जिसमें हमने part A complete किया था. उसमें हमने half of the chapter complete कर लिया था और बाकी का half हम इधर complete करेंगे. So let's start with डीकम्पोजिशन. अब डीकम्पोजिशन का प्रोसेस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प अ लॉट इन डीकेइंग द लेट्स से नेचुरल वेस्ट. अब हमारी वेजिटेबल पील्स होंगी, मान लीजिए लेफ्ट ओवर फूड होगा, ये कुछ भी ऐसा जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल है, आप एक काम करिए, आपके लिए छोटा सा टास्क है. जो भी आपके घर में जैसे सब्जियां कटी, जो चीजें उसकी नहीं यूजफुल होती हैं उन्हें उठाइए, एक जगह रख लीजिए. उसके बाद खाना है, वैसे तो खाना छोड़ना बहुत ही गलत बात है, बट इन केस देयर इज सम लेफ्ट ओवर फूड कीप इट असाइड. जो भी आपके घर का ऑर्गेनिक वेस्ट है वो हो सकती है आपकी फ्रूट की स्किन हो सकती है किसी, या कुछ भी ऐसा, उसको साइड रखिए और जाके उसे एक मिट्टी में एक गड्ढा करके और उसमें डाल दीजिए. आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आप ये देखेंगे, लेट्स से एक वीक बाद जब आप उस गड्ढे को वापस ऐसे डिग करेंगे तो उसमें इनमें से कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी. तो ये सारी चीजें तो आपने डाली थी ना, पर अभी गई कहाँ, ये सब क्या हुई है, ये सब डीकम्पोज हुई है. डीकम्पोजिशन एक माइक्रोबियल एक्शन होता है जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी पर्टिकुलर चीज को डीकम्पोज कर देते हैं, उसे डीके कर देते हैं. और ये किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. डीकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. डीकम्पोजिशन से ही हमारा मैन्योर भी प्रिपेयर होता है. ये एक ऑर्गेनिक चीज होती है जिससे, जैसे कि हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं बट वो केमिकल वाले होते हैं, बट जो मैन्योर होता है वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक होता है, उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है. और उसको जब हम हमारे फील्ड्स में डालते हैं तो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है. ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे डीकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं. अब हम ये देखेंगे कि पैथोजन क्या होते हैं. अब इससे पहले आपने पार्ट ए वाले वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो उसे प्लीज देखिए, क्योंकि उसको बिना देखे ये आगे का चैप्टर नहीं समझ आएगा. तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबके साथ बुरे नहीं होते, मैंने आपको उनकी गुड साइड्स बताई थी. बट अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बैड साइड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही फेटल, या फिर कह सकते हैं डेडली, और बहुत ही ज्यादा डेंजरस है. पैथोजन क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं हमारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी ह्यूमन में या किसी प्लांट में या फिर किसी एनिमल में किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज को बढ़ावा दें या फिर उनमें वो डिजीज पैदा करें, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है. और उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो अब हमने यहाँ पे जान लिया कि पैथोजेंस क्या होते हैं, और हमने जान लिया कि डीकम्पोजिशन का प्रोसेस क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता क्या है. अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, और जो हमने डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था उनको थोड़ा और इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे. अब यहाँ पे क्या लिखा है,
पैथोजेंस एंटर अ बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. मतलब कोई एक, बेसिकली कोई एक सोर्स नहीं है. पानी अगर आप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं पी रहे हैं तो यू मे गेट अफेक्टेड बाय इट, अ पैथोजन मे एंटर योर बॉडी. अगर आपकी एयर आसपास की बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड या गंदी है तो अ पैथोजन मे एंटर योर बॉडी. या फिर आपका फूड स्टेल फूड है, खराब खाना है, तो वो भी उसके भी थ्रू अ पैथोजन मे एंटर योर बॉडी. So they can also be transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. अब इसका example तो हम सबने कोविड में देख ही लिया था कि अगर एक इंसान को कोविड हुआ है तो वो कितनी रैपिडली दूसरे को होके तीसरे को होके, कुछ कुछ लोग की तो पूरी पूरी फैमिलीज को, पूरी पूरी लोकैलिटीज में ही कोविड था. तो यहाँ पे इन्फेक्शन कैसे फैल रहा था, यहाँ पे इन्फेक्शन पर्सन टू पर्सन फैल रहा था और कभी कभी इन्फेक्शन हमें एनिमल से भी हो जाता था. Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, or physical contact is called communicable disease. Communicable नाम नहीं पता चल रहा है, जो एक से दूसरे में चला जाए, ठीक है? तो ये वो diseases होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकते हैं किसी भी वे में. अब फॉर एग्जाम्पल कि किसी फिजिकल टच से, या फिर उस इंसान का खाना शेयर करने से, उस इंसान का पानी शेयर करने से, या फिर उस इंसान के अगल बगल रहने से. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ दैट पर्सन स्नीजेस और कफ्स, तो उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उसके जो माउथ से निकलेंगे, यू मे गेट इन कॉन्टेक्ट विद देम, जिसकी वजह से आप लोग बीमार पड़ सकते हैं. तो जब ऐसे में किसी की बॉडी में पैथोजन एंटर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज. अब कम्युनिकेबल डिजीज, अब एक मिनट, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये होगा कि किसी को कोल्ड हुआ है तो लोग नहीं कहते कि अरे इसके पास मत रहो, तुमको भी कोल्ड हो जाएगा. क्योंकि कोल्ड क्या है, कोल्ड होना, फीवर होना, फ्लू, ये सब कम्युनिकेबल डिजीजेज है. वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कम्युनिकेबल डिजीजेज के, कॉलरा, कॉमन कोल्ड मैंने आपको बताया ही, चिकन पॉक्स, जिस इंसान का चिकन पॉक्स होता है उससे भी लोग एक दूरी बना के रखते हैं क्योंकि वो भी कम्युनिकेबल डिजीज है. वैसे ही ट्यूबरक्लोसिस. सो ये सारे जो भी डिजीजेस हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस की कैटेगरी में आएंगे. आई विल रिपीट इट अगेन, क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे कम्युनिकेट हो जाते हैं, चले जाते हैं. देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स व्हिच एक्ट एज कैरियर्स. सॉरी, कैरियर मतलब कैरियर नाम से आप समझ सकते हैं किसी चीज को ये क्या करते होंगे, कैरी करते होंगे, राइट? तो ये क्या करते हैं, ये डिजीज कैरी करते हैं. व्हाट डू दे कैरी? दे कैरी डिजीज. ये कैरियर्स होते हैं. अब कैरियर्स एक इंसान से दूसरे इंसान तक उस डिजीज को पहुंचाते हैं, या फिर किसी भी एनिमल टू एनिमल, प्लांट टू प्लांट. वैसे तो व्हिच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइग्रेंट्स. हाउस फ्लाई इज वन ऑफ सच कैरियर. जो नॉर्मल हमारे घरों में मक्खियां होती हैं वो इनमें से एक, मतलब बहुत ही नॉर्मल ऐसी चीज है जो हम देखते हैं, जो कि उसको भी हम क्या कंसिडर करते हैं, कैरियर कंसिडर करते हैं. The flies sit on the garbage and animal excreta. Pathogens stick to their bodies. When the flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogen. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. For example, यहाँ पे animal excreta है, या फिर एक uncovered कुछ भी ऐसा garbage है, कूड़ा है, उस पर क्या करेगी वो fly आके बैठ जाएगी. अब इस पे जो भी क्या होंगे pathogens होंगे वो इस fly में चिपक जाएंगे. अब ये fly उठ के आके आपके खाने की plate में बैठ जाएगी तो वो पैथोजन जो ट्रांसफर हो गया ना, जो गंदी चीज है उससे आपकी एक जो चीज आपको न्यूट्रिशन दे रही है, जो चीज आपकी बॉडी में जाएगी, जो कि आपके ऑर्गन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने वाली आपका फूड, उस पे जाके वो फ्लाई बैठ जाएगी. तो उसने वहां से वो सारे पैथोजन उठा के कहाँ ट्रांसफर कर दिए, फूड में, और आपने वो सारा फूड अपने अंदर डाला और सारे पैथोजन या सारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो कि डिजीज कॉजिंग थे वो आपकी बॉडी में. अब इसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है लोगों को हेल्थ रिलेटेड. वैसे ही हाँ, तो वो जो भी कंटेमिनेटेड फूड खाएगा उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ तो फूड पॉइजनिंग ही हो जाएगी. सो इट इज एडवाइजेबल कि आप
भी अपना खाना ऐसे खुला ना छोड़े, और मेक श्योर कि आपके घर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ पे फ्लाइज अट्रैक्ट हो, कीप योर गार्बेज बिन कवर्ड, ताकि वहां पे मच्छर या फिर फ्लाइज या फिर कुछ भी ऐसा डेवलप ना हो जो कि बाद में आपको ही हार्म करे. कीप योर वाटर कवर्ड, कीप वट एवर यू आर ईटिंग शुड ऑलवेज बी कवर्ड. अब हम यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं फीमेल मस्कीटो का एग्जाम्पल. अब मस्कीटो से सबसे पहली चीज जो दिमाग में आएगी वो क्या होगी? ऑफ कोर्स डेंगू, बहुत ही एक फेटल डिजीज है. लोगों की प्लेटलेट्स बहुत रैपिडली, बहुत ही स्पीड में ड्रॉप होने लगती है. अ लॉट ऑफ पीपल अनफॉर्चुनेटली इवन एंड अप लूजिंग देयर लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिजीज. तो अभी होता कैसे है? अब हमें ये तो पता है कि मच्छरों की वजह से होता है, बट यहाँ पे भी द मच्छर और द मस्कीटो, इट एक्ट्स एज अ व्हाट? इट एक्ट्स एज अ कैरियर. अब यहाँ पे द फीमेल मस्कीटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू. अब यहाँ पे देख सकते हैं, अनदर एग्जांपल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलस मस्कीटो व्हिच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम. फीमेल एडीज मस्कीटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मस्कीटो से क्या हमें प्रॉब्लम होती है. अब जैसे कि फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो से क्या होता है, क्या कैरी करती है? सबसे पहली बात, मलेरिया के पैरासाइट्स कैरी करती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्मोडियम. तो हमें मलेरिया हो जाता है. और फीमेल दीज मस्कीटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. डेंगू वायरस हमें एडीज मस्कीटो की वजह से होता है, इसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया. ओके, मूविंग ऑन. अब यहाँ पे कुछ कॉमन डिजीजेस, एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कॉमन डिजीजेस लिखे हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं. यहाँ पे हमें डिजीज का नाम दिया है, यहाँ पे किसकी वजह से होते हैं, कैसे ट्रांसमिट होती है, प्रिवेंटिव मेजर्स, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो. ट्यूबरकुलोसिस होता है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है. मीजल्स होते हैं वायरस की वजह से, और सेम चिकन पॉक्स और पोलियो भी होते हैं हमें वायरस की वजह से. इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है वो थ्रू एयर आपके अंदर जाता है, मीजल्स का जो वायरस है वो एयर के थ्रू जाता है, चिकन पॉक्स और पोलियो का, चिकन पॉक्स का एयर या फिर कॉन्टैक्ट. अब जैसे किसी एक इंसान को पोलियो, आई एम सो सॉरी, किसी एक इंसान को चिकन पॉक्स हुआ है और अगर आप उसके साथ एक फिजिकल कॉन्टैक्ट में हैं, सो यू मे ऑल्सो एंड अप हैविंग द सेम डिजीज. तो यहाँ पे इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, या तो एयर या तो कॉन्टैक्ट, और पोलियो के वायरस का एयर या तो वाटर. अब हम इसे मतलब बच के कैसे रहे, एक जनरल मेजर. ऑब्वियसली जो एक मेडिकल चीज होगी, मेडिकल टर्म होगा, वो तो अलग होगा एक मेडिकल वे, बट इन जनरल हम क्या कर सकते हैं कि द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, पेशेंट को एकदम ही अलग रखना है. आइसोलेशन वर्ड भी पोस्ट कोविड एरा में बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर आइसोलेटेड फ्रॉम देयर हाउसेस. कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे पैथोजेंस हो सकते हैं जो कि पर्सनल बिलोंगिंग्स की शेयरिंग से भी पास ऑन हो जाए. वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे व्हेन दे आर बोर्न दे आर वैक्सीनेटेड फॉर वेरियस, लाइक दे आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस. तो वो इन्हीं सब डिजीजेस की उन्हें लगती है, पोलियो की हो गई, चिकन पॉक्स की हो गई, उसके बाद बहुत सारे डिजीजेस हैं. तो वो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ऑलरेडी आपके बॉडी में फिर उन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज पैदा कर देती है, सो दैट इन फ्यूचर यू आर नॉट अफेक्टेड बाय देम. हेपेटाइटिस की लगती है वैक्सीनेशंस बच्चों को, सो प्लीज नेवर स्किप वैक्सीनेशन, बिकॉज इन फ्यूचर अगर ऐसे डिजीजेस हो जाते हैं तो ये फेटल भी प्रूवन है, इनसे डेथ भी हुई है लोगों की. वैसे ही कॉलरा और टाइफॉइड बैक्टीरिया से होता है, पानी या फूड, या पानी खराब, पानी या खराब खाने की वजह से हो सकता है. मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, आपको अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, साफ सफाई से रहना चाहिए, कुछ भी गंदा या स्टेल पानी या खाना नहीं खाना पीना चाहिए. कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर,
उसके बाद ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा पका हुआ और प्रॉपरली कुक्ड खाना खाइए। और जो पानी है प्लीज प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ड्रिंकिंग क्लीन वाटर जिसमें कोई भी ऐसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं। यहाँ पर आता है हेपेटाइटिस ए, मैंने आप लोगों को बताया था हेपेटाइटिस की भी वैक्सीनेशन बच्चों को लगती है, ये भी एक वायरस है पानी से ट्रांसमिट होता है। पानी सेम थिंग जस्ट लाइक टाइफॉइड एंड कॉलरा कि अच्छा पानी पीजिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रोटोजोआ। कैसे होता है अभी हमने पढ़ा था कि मलेरिया किससे होता है, इस फीमेल मस्कीटो से। यूज मस्कीटो नेट एंड रेपेलेंट, स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटो बाय नॉटिफाइंग वाटर टू कनेक्ट कलेक्ट इन द सराउंडिंग। आपने देखा होगा जब डेंगू का, हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि डेंगू का ही सीजन चल रहा है क्योंकि हर दूसरे घर किसी ना किसी को डेंगू हो रहा होता है, तो सरकार ऐसी गाइडलाइंस निकाल देती है, ऐसे एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं कि आपके कूलर में कहीं पानी इकट्ठा ना हो, जो घर के बाहर लोग एनिमल्स के लिए या बर्थ के लिए ऐसे पानी रखते हैं उसमें पानी ज्यादा इकट्ठा ना हो, क्योंकि मस्कीटोज स्टैग्नेंट वाटर में रुके हुए पानी में ब्रीड करते हैं और वहीं पे ऐसे मस्कीटोज पैदा होते हैं जो इन फ्यूचर विल कॉज मलेरिया एंड डेंगू। तो इसका हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना भी पानी आपके घर में रुका ना हो, और उसके साथ साथ आपको मस्कीटो नेट या फिर रेपेलेंट जो भी मार्केट में है बहुत सारे अवेलेबल होते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। मेक श्योर दैट योर हाउस इज लाइक प्रॉपरली स्प्रेड विद इंसेक्टिसाइड, उस पर सराउंडिंग्स का भी ध्यान रखें, वही स्टैग्नेंट वाटर वाली बात। इसके बाद हमारा आता है रॉबर्ट कोच के बारे में पढ़ते हैं। रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रेसिस। ये क्या है, एंथ्रेक्स डिजीज के लिए इन्होंने इसे डिस्कवर किया। अब यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था, ह्यूमंस के बारे में, अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। अब इनमें क्या होगा एनिमल्स में कि जैसे कि किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, एंथ्रेक्स का इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। फूड एंड माउथ डिजीजेस ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। अब यहाँ पे क्या हमने पढ़ा, जैसे कि ह्यूमंस में वेरियस ऐसे पैथोजेंस की वजह से डिजीज हो जाते हैं, वैसे ही हमारे एनिमल्स में भी हो जाते हैं, इनके माउथ, इनके फुट, इनकी इम्यूनिटी भी अफेक्ट होती है। अब यहाँ पे क्या था कि फुट एरिया जो है और माउथ है वो वायरस की वजह से अफेक्ट हो जाता है, और एंथ्रेक्स क्या है, डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज है जो कि बैक्टीरियम की वजह से होता है, और इसे डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने। उसके बाद हम देखेंगे कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। अभी हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया, ह्यूमंस के बारे में पढ़ लिया, प्लांट्स बचे नहीं है, प्लांट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वेरियस डिजीजेस होते हैं। अब वो क्या है, सिट्रस कैंडर एक डिजीज है, किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। कैसे ट्रांसमिट होता है, एग से। वैसे ही रस्ट ऑफ व्हीट है, फंगाई की वजह से होता है, और एयर से होता है या फिर जो भी ऐसे सीड्स होंगे कंटामिनेटेड सीड्स उनकी वजह से। वैसे ही येलो विंग मोस्टली ऑफ ओकरा है, भिंडी में ऐसे वायरसेस हो जाते हैं, ऐसे डिजीजेस हो जाते हैं, किसकी वजह से, किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, एक वायरस है ये, और ये इंसेक्ट की वजह से ट्रांसमिट होता है। अब यहाँ पे ये कैरियर्स हैं, एयर इसका कैरियर है, एयर एंड सीज इसके कैरियर है। वैसे ही ये येलो वेन मिस्टेक ऑफ भिंडी, इसका कैरियर कौन है, इसका कैरियर इंसेक्ट है। अब हम देखेंगे फूड पॉइजनिंग क्या होती है और फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। फूड पॉइजनिंग भी एक थोड़ा कॉमन टर्म है, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग, अगर वो कुछ भी ऐसे खराब खाना या फिर बहुत ही टाइम का रखा हुआ खाना, स्टेल फूड खा लेते हैं, तो उसकी वजह से उनके बॉडी में एक माइक्रोबियल एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उस फूड पे जो कि डीके हो रहा होता है या फिर खराब हो रहा होता है उस पर कुछ ना कुछ पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, एंड व्हेन यू कंज्यूम इट इट गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू योर बॉडी। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस
और वही फूड जब आप कंज्यूम कर लेते हैं तो टॉक्सिक सब्सटेंस आपके बॉडी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग. सो वी नीड टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ द फूड दैट वी आर ईटिंग. इट शुड बी फ्रेशली कुक, इट शुड बी प्रॉपरली कुक, और वो ऐसा बहुत पुराना फूड नहीं होना चाहिए. वी शुड ऑल्सो अवॉइड ईटिंग कैन फूड, या फिर अगर हम कंज्यूम भी कर रहे हैं, ब्रेड्स कंज्यूम कर रहे हैं, सो वी शुड मेक श्योर कि उनकी एक्सपायरी डेट्स क्या है, उसके बाद आप उसे बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें. नाउ वी मूव ऑन टू समथिंग दैट इज फेमिलियर टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, फूड प्रिजर्वेशन है. अचार पिकल्स इंडियन हाउस होल्ड में बहुत ही कॉमन है, पर आपने भी ये सोचा है कि वो सालों सालों तक रह कैसे जाते हैं. उसी टेक्निक को, उसे सालों सालों तक प्रिजर्व करके रखने को हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन, कि कैसे फूड आइटम्स को आप लंबे समय तक रख सकते हो उन्हें प्रिजर्व करके. इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं. इसमें ये एक मेथड है केमिकल मेथड. अब केमिकल मेथड कैसा होता है, सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स generally used to check the growth of microorganisms, therefore they are called what, preservatives. salts or edible oils ko hum kya kehte hain, preservatives kehte hain. kyun, kyunki they are common chemicals jo ki generally use hote hain to check the growth of microorganisms. we add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. aapne dekha hoga ki pickles ko pani se bahut hi zyada प्रिजर्व करके रखते हैं और उसमें एक गुड अमाउंट ऑफ ऑयल या फिर एसिड ऐड करते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए. अब खराब होने से क्या मतलब होता है कि उस पर कुछ भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक भी ना कर दे कि वो मतलब इट एंड्स अप बीइंग अ स्पॉइल्ड फूड. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइक सल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. ये भी हमारे कॉमन क्या है, प्रिजर्वेटिव्स हैं. ये किस में यूज होते हैं, जैम्स में और स्क्वाशेस में, ताकि वो खराब ना हो. ठीक है, जैम्स वगैरह में भी प्रिजर्वेटिव्स पड़ते हैं ताकि आफ्टर सर्टेन टाइम वो जो जैम की बॉटल आप ला रहे हैं या वो जो स्क्वाश आप ला रहे हैं वो खराब ना हो जाए. ऐसे ही एक प्रिजर्वेशन मेथड है कॉमन सॉल्ट के साथ. अब कॉमन सॉल्ट के साथ हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, मीट या फिर फिश पे एक लेयर कॉमन सॉल्ट भी लगा दी जाती है विच एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव, ताकि वो मतलब बहुत पिकल जैसे बहुत टाइम तक तो नहीं, बट हाँ कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक वो रह सके. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक देयर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. सॉल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आमला, रॉ मैंगो एंड टैमरिंड एटसेट्रा. तो ये सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट भी एक मेथड होता है विच एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव, जो कि सर्टेन क्वालिटी ऑफ फूड्स को प्रिजर्व करता है सो दैट दे स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम. थर्ड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन क्या हो जाएगा, प्रिजर्वेशन बाय शुगर. जैम्स जेलीज एंड स्क्वाशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर. ऑफ कोर्स जैम्स जेलीज एंड स्क्वाशेस हैव दिस हाई शुगर क्वांटिटी. इसमें क्यों होती है, एक तो टेस्ट ऑफ कोर्स, बट देन इट आल्सो एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव. शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल्स फूड. अभी मैंने आपको बताया था कि अचार को बहुत ही ज्यादा बचाया जाता है किससे, पानी से, क्योंकि पानी से क्या होगा, मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर से बैक्टीरियल जो मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं या बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर फूड आइटम खराब हो सकता है, वो अचार खराब हो सकता है. वैसे ही यहाँ पे शुगर यूज होता है ताकि मॉइस्चर कंटेंट कम रहे तो उससे बैक्टीरियल ग्रोथ भी ज्यादा ना हो. अब यहाँ पे हमने तीन मेथड पढ़ लिए, ये चौथा मेथड है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, की ऑयल और विनेगर से कैसे प्रिजर्व करते हैं खाने को. यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट. वेजिटेबल्स फ्रूट्स फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड. हम सब्जियों को या फ्रूट्स को, फिश और मीट को ऑयल और विनेगर से भी प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि जब हम ऑयल और विनेगर यूज करते हैं तो ऐसे एनवायरमेंट में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता. सो इससे बैक्टीरिया से अगर खाना बचा रहेगा तो ऑब्वियसली इट विल स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन. वैसे ही हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भी होते हैं. यहाँ पे क्या दिखा है, देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड. बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आपने देखा होगा हमारे जैसे ही दूध का पैकेट या आपके यहाँ जस्ट
भी मोट से दूध आता हो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उसे किसी भी एक यूटेंसिल में डाल के उसे बॉईल करते हैं, ताकि दूध इन जनरल टर्म्स हम कहते हैं कि कहीं दूध फट ना जाए या खराब ना हो जाए। तो वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हीट करने से क्या होता है, बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं, ताकि वो जो दूध है वो अच्छे से स्टोर रहे। वैसे ही एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं पैस्चराइजेशन। नाउ वी विल सी व्हाट पैस्चराइजेशन मींस। वी कीप अप मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल्स। माय मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पैस्चराइज्ड। आप कभी भी अगर दूध मार्केट से लेते हैं तो आप उसके पैकेट पे भी देख सकते हैं लिखा होता है पैस्चराइज्ड मिल्क। अब ऑब्वियसली ये दूध खराब क्यों नहीं होता है, उसमें भी लिखा रहता है यूज बाय पैक डैट। तो उसमें एक सर्टेन डेज का डिफरेंस होता है कि पैक तो इस दिन हुआ, यूज या इस दिन तक हम कर सकते हैं। तो वो खराब क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो पैस्चराइज होता है। पैस्चराइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, पैस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एंड इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। दूध को क्या करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकेंड तक गर्म करते हैं, और फिर उसे एकदम से क्या करते हैं, ठंडा करके स्टोर कर देते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो प्रिवेंट होती है, मतलब बचता है दूध उससे, और उसमें कोई ऐसी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पैस्चराइजेशन। और इसे डिस्कवर किसने किया था, लुइस पैस्चर। स्टोरेज एंड पैकेजिंग। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स Even vegetables are sold with sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. आप देखा होगा कि एयरटाइट कंटेनर्स आते हैं हमारे घरों में भी, कि आप उसमें कुछ भी ऐसा स्टोर कर सकते हैं और वो जल्दी खराब नहीं होगा। तो वैसे ही स्टोर्स में फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, कटी हुई सब्जियां मिलती हैं हमें, जो हमारे ऐसे बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स या सुपरमार्केट्स होती हैं। जस्ट बिकॉज दे आर एयरटाइट कंटेनर्स, दे लाइक दे कैन बी देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसमें जो माइक्रोबियल एक्शन होगा वो इतना फास्ट नहीं होगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक तरह का एक माइक्रोबियल एक्शन है जो कि हमारे बैक्टीरिया से होता है, जिसे हम कहते हैं राइजोबियम। ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स में। और ये क्या करता है, ये करता है कि नाइट्रोजन को होल्ड करके रखता है, इसीलिए इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी कहते हैं। इट होल्ड नाइट्रोजन टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं उसमें। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, सो द क्रॉप ग्रोज रियली वेल। सो राइजोबियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन एंड फॉर फार्मर्स। तो अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया क्या होते हैं और राइजोबियम का क्या काम होता है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन साइकिल कैसे वर्क करती है। हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 78% की मात्रा में प्रेजेंट है। तो अब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होते हैं वो फिक्स कर देते हैं। ठीक है, राइजोबियम का यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया था। फिर बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। ठीक, इधर पे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब पूरे सॉइल में क्या हो गया, हमारा नाइट्रोजन हो गया। उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरिया क्या करता है, टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब कुछ टाइम बाद जो सॉइल में होता है उसको वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है,
साइकिल कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे देखिए, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल प्लांट्स ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है प्लांट, प्लांट अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन प्लांट्स ले लेते हैं, उसे एनिमल्स खा लेते हैं, फिर जब एनिमल्स मर जाते हैं या देयर एक्सक्रीशन देयर वेस्ट इट इज अगेन डंप्ड इनटू द सॉइल, और फिर से वो नाइट्रोजन वापस आ जाता है सॉइल में एंड अगेन द साइकिल इज कंटिन्यूड। वैसे ये अब आप लोग सोच रहे होंगे चलिए ये तो समझ आ गया, बट लाइटनिंग का क्या काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन में? तो लाइटनिंग का ये काम होता है कि जब किसी भी, जैसे बिजली कड़क रही होती है, जब किसी भी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे ऐसे बिजली गिर जाती है तो वहां पे बहुत ही मैसिव लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन हो जाता है। लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स देयर, प्लांट्स देयर एंड एट टाइम्स इवन ह्यूमन बीइंग्स डाई, तो उनसे मैसिव क्या नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो कि वापस से कहाँ चला जाता है हमारा सॉइल में। सो आई गेस नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट नाइट्रोजन साइकिल मींस, एंड विद दिस वी हैव केम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट ए में मैंने हाफ चैप्टर कंप्लीट किया है, पार्ट बी में मैंने हाफ चैप्टर कंप्लीट किया है। प्लीज डू वॉच बोथ द पार्ट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।